गेंदे के फूलों से तैयार की गई है सिद्धार्थ शुक्ला की वो एम्बुलेंस जिसमें उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। जी हाँ, अभी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एम्बुलेंस को तैयार किया जा रहा है, पूरी तरीके से तैयार कर दी गई है। बाहर भी फूलों की माला लगाई गई है, अंदर जो उनका बिस्तर बिछा है जिस पर सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को लिटाया जाएगा वो अभी तैयार कर दिया गया है, उस पर भी फूल छिड़क दिए गए हैं। और बहुत जल्द लास्ट राइट्स की पूरी सेरेमनी जो है शुरू होगी, बहुत जल्द कूपर अस्पताल से बॉडी रवाना होगी। सारी डिटेल्स बताती हूँ आपको वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। बता दें हम आपको कि सिद्धार्थ शुक्ला की लास्ट राइट्स वैसे तो बताया जा रहा था कि 11 बजे शुरू होंगी, लेकिन क्योंकि अभी से ही लोगों का इतना ज्यादा तांता लग रहा था सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर, उनकी सोसाइटी के बाहर फैंस का जमावड़ा लग रहा था, जिसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को घर लेकर जाया जाए या सीधे ओशिवारा के शमशान लेकर जाया जाए। क्योंकि अगर घर लेकर जाएंगे तो मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हो जाएगी, किस तरीके से बॉडी को अंदर लेकर जाया जाएगा, लोग जो है टूट पड़ेंगे, किस तरीके से बॉडी को बाहर लेकर आ पाएंगे। ये सारी चीजों को सोचकर अभी तक फैमिली डिसाइड नहीं कर पाई है कि बॉडी को सीधे घर लेकर जाएं या फिर सीधे शमशान लेकर जाएं। बता दें आपको कि जो लास्ट राइट्स होने वाली हैं वो 11 बजे से तय थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जैसे ही ये डिसीजन हो जाएगा कि किधर बॉडी लेकर जानी है, कैसे ये सारी चीजें करनी है, तभी डिसाइड हो पाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की लास्ट राइट्स कितने बजे से होंगी। 12 बजे ये बोला जा रहा था कि उनका फ्यूनरल शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी 12 बजने ही वाला है, लेकिन ऐसा कोई भी खबर सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि एम्बुलेंस को पूरी तरीके से सजा दिया गया है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर जाना है, उसी एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, उसी में उनकी अंतिम यात्रा तय की जाएगी। एम्बुलेंस को फूलों से सजा दिया गया है, उनके बिस्तर को पूरी तरीके से फूलों से सजा दिया गया है। सिद्धार्थ शुक्ला की पार्थिव शरीर को किसी भी वक्त किया जा सकता है रवाना। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी लगातार सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।